स्वागत है आपका हमारे चैनल भाई। क्या आप मैच जीत रहे हैं? क्या आप कमाई कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है फिर भी हार रहे हैं इसका मतलब है आप हमारी वीडियोज़ को स्किप करते हैं। तो हर वीडियो के सबसे पहले यही बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो होगा ही आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको हर एक प्लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देना मेरी ड्यूटी बनती है। तो आज हम जिस मैच के हम बात करने जा रहे हैं वह मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में होने वाला आईपीएल 2019 का 24th मैच, जो कि खेला जाएगा दोस्तों मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड यानी वानखेड़े स्टेडियम में। अगर दोनों टीमों के इस आईपीएल सीजन के परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई ने अभी तक 5 मैच खेली है, उसमें से 3 मैच जीती है और 2 मैच हारी है। वहीं बात करते हैं दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की, अभी तक 6 मैच खेली है, 4 मैच जीती है और 2 मैच ये हारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पिच की, तो जो पिछले मैचेस हुए हैं वानखेड़े में जितने भी मैच हुए मोस्टली अभी तक इस आईपीएल सीजन की बात करें तो पेसर्स के लिए वो फ़ायदेमंद होता है, यानी पेसर्स को विकेट मिलते हैं वानखेड़े स्टेडियम में, और वानखेड़े स्टेडियम मोस्टली माना जाता है बैट्समैन के लिए। हाँ, बैट्समैन पिच के लिए माना जाता है दोस्तों, बैट्समैन के लिए फेवर करता है, बैट्समैन के लिए हेल्पफुल रहता है। तो अपनी जो टीम सेलेक्ट करना, जो प्लेयर सेलेक्ट करना, ऐसे सेलेक्ट करना कि ऑलराउंडर हो, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हो। स्पिनर्स को कम लेने की गुजारिश है मेरी कि कम लेना स्पिनर को, पेसर्स लो अगर बॉलर लेने हो, और बैट्समैन ले रहे हो तो अच्छे खासे बैट्समैन लो, और लो होम ग्राउंड वाले, बाकी आप समझदार हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। अभी तक आपने हमारे चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वही सब्सक्राइब कर दो, फिर ना बोलना बाद में कि मैंने बोला नहीं। अब बात कर दो तो विकेट कीपर की, विकेट कीपर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन तो नहीं लेकिन 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, केएल राहुल, किंगटन डीकॉक और सिमरन सिंह। दोस्तों सिमरन सिंह, तो एक बार सिमरन सिंह को यहाँ से तो बिल्कुल ही दफा कर दो। अब आपके पास बच्चे दोस्तों 2 ऑप्शन, केएल राहुल बच्चे और क्विंटन डीकॉक बच्चे। तो केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल ने पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, 71 रन बनाए, ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाते हैं। क्विंटन डीकॉक की बात करें दोस्तों, क्विंटन डीकॉक ने अभी तक सिर्फ एक हाफ सेंचुरी मारी है, बस सिंपल एक सिर्फ हाफ सेंचुरी मारी है एक मैच में, उसके बाद उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर भी टीम इनको खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है। अब क्यों खिलाई जा रही है इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया, फिर भी इनको खिलाएंगे, मुझे पता है कि बड़ा नाम है, इनको बार बार मौका देंगे, लेकिन इनके स्थान पर इवन लुइस है, उनको भी मौका मिल सकता था। अभी लसित मलिंग है जो कि ठीक होकर वापस आ चुके हैं, उनको भी किस पोजीशन में खिलाएंगे मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो वीडियो पूरी देखना, इसकी मत करना, अपना नुकसान मत होने देना। अब बात करें तो बैटिंग की, तो बैटिंग में आपको दिख रहे होंगे मैंने क्रिस गेल को नहीं लिया है। अगर आप क्रिस गेल को लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दो टीम बनाऊँगा, एक हेड टू हेड वाली आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर ही, हेड टू हेड की दो टीमें बनाऊंगा दोस्तों, एक एक मैच में इनको लगाऊंगा। क्रिस गेल को मैं उस टीम में लूंगा दोस्तों, इस टीम में मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास पॉइंट इतने नहीं थे। अगर लेना चाहते आप इनको ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, इसको छोड़ के इसको ले सकते हो आप, लेकिन मेरे पास इतने पॉइंट नहीं थे कि मैं इनको ले सकूं, क्योंकि इनके पॉइंट्स की बात करो 10.5 10.5 पॉइंट क्रिस गेल के बनते हैं, तो इस कारण मैंने क्रिस गेल को नहीं लिया। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, मैंने सेलेक्ट किया रोहित शर्मा का, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी है। वो अगर रोहित शर्मा की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है इन आईपीएल सीजन की बात करें तो। अगर पिछले मैच की बात करें तो दोस्तों रोहित शर्मा ने सिर्फ 11 रन बनाए, ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप रोहित शर्मा को नहीं लेना चाहते तो इनको छोड़ के आप क्रिस गेल को ले सकते हैं, मेरी ये टीम है, मैं रोहित शर्मा को नहीं लूँगा दोस्तों एक मैच में, और मैं क्रिस गेल को इनकी जगह पर अपनी टीम में सेलेक्ट करूँगा। तो ये तो मेरी बता दी, मैंने आपको अपनी चॉइस बता दी। अब बात करें तो डेविड मिलर की, जो कि आपको किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। पहले मैच में इनको मौका नहीं मिला, लेकिन बीच के मैच में इनको मौका मिला, अच्छा परफॉर्मेंस करके गए हैं। लेकिन अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में चौथे नंबर पे बैटिंग करने आए, सिर्फ 1 रन इन्होंने बनाया, लेकिन मेरा विश्वास ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में सेलेक्ट किया। मयंक अग्रवाल की बात करें तो मोस्ट अनरेटेड अगर बैट्समैन की बात करते हैं, मयंक अग्रवाल है, किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, पिछले मैच में उन्होंने 53 रन बनाए, टीम को योगदान दिया। सूर्य कुमार यादव अगर बात करें मुंबई इंडियंस की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, जो पहले के कुछ मैचेस थे उनमें इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किया, टीम को पॉइंट्स बना के दिए, रन बना के दिए और हमें पॉइंट्स बना के दिए। लेकिन अगर पिछले कुछ मैचेस की बात करें तो
उनमें इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। ये भी मयंक अग्रवाल की तरह मुंबई इंडियंस की तरफ से तीसरे नंबर पर खेलने आते हैं, लेकिन अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, 7 रन बना के आउट हो गए। करुण नायर को दोस्तों अभी तक मौका नहीं मिला है किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, बहुत अच्छे अगर तो बहुत अच्छे बैट्समैन है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच डेब्यू किया था इंडिया की तरफ से खेलते हुए, उसमें इन्होंने 300+ रन इन्होंने बनाए थे टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए। इसके बाद तो सरफराज खान को अपनी टीम में लेना चाहते हो ले सकते हो। मेरा सरफराज खान को लेने का एक मेरा रीज़न है क्योंकि इनकी बैटिंग, अगर बैटिंग पोजीशन की बात करें तो सरफराज खान को बहुत नीचे भेजा गया पिछले मैच में, तो इनकी बैटिंग ने सातवें नंबर पे। बाकी अगर इन बार कभी तीसरे नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे, कभी पाँचवें नंबर, दोस्तों इस वजह पिछले मैच में इनकी बैटिंग ही नहीं आई, सातवें नंबर तक इनकी बैटिंग ही नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई दोस्तों। तो इनको लूँ कि ना लूँ, मैं ग्रैंड लीग में डेफिनेट लूँगा दोस्तों, पहले बता रहा हूँ मैं, ग्रैंड लीग की जो टीम बनेगी मेरी उसमें सरफराज खान को मैं अपनी टीम में जरूर लूँगा। एक बार दिखा दे तो कितने परसेंट लोगों ने इनको सेलेक्ट किया हुआ है, 35% दोस्तों इन्होंने सेलेक्ट किया लोगों ने, इनको मैं ग्रैंड लीग में जरूर लूँगा सरफराज खान को। मुझे पता है कि 35 से थोड़े कम हो जाएंगे इस परसेंट, अगर सुबह देखोगे आप तो सुबह तक इनकी जो परसेंटेज कम हो जाएगी, कम लोगों ने लिया होगा। निकोलस पुरन तो था किंग्स इलेवन पंजाब ने, इनको बार बार मौका दिया लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाई, इसलिए इनको गेट आउट कर दिया टीम की तरफ से, जो कि अच्छी डिसीजन था। युवराज सिंह की बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से इनको नहीं खिलाया गया पिछले मैच में, तो इस मैच में मेरे को नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस पिछले मैच जीत के आई है दोस्तों, इस मैच में भी विनिंग जो टीम है उन उसको बरकरार रखना चाहेगी, तोड़ना नहीं चाहेगी। या फिर अगर तो युवराज सिंह को खिलाया जाता है तो किस प्लेस पे, किन किस स्थान पे खिलाया जाता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए युवराज सिंह का मैंने अभी तक नाम नहीं लिया, सिलेक्ट नहीं किया, और इनके बारे में कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। किरण पोलार्ड का दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा, अगर किरण पोलार्ड की बात करें मुंबई इंडियंस तरफ से आपको खेलते हुए दिखा देंगे, पहले मैच में 6 नंबर पर बैटिंग बनाए, 46 इन्होंने रन बनाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। इवन लुइस क्विंटन डिको को, अगर क्विंटन डिको को अगर ये बाहर भी करते हैं तो इनके पास एक ऑप्शन है इवन लुइस, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि और बात है क्विंटन डिको फोरिजन प्लेयर है, इनकी जगह पे इवन लुइस आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, टीम की तरफ से खेल सकते हैं, लेकिन इनको मौका मिलेगा नहीं मिला कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई। मेरे को नहीं लगता क्विंटन डिको को ये बाहर करके इवन लुइस को अपनी टीम में सेलेक्ट करेंगे, इसलिए मैं सजेशन भी नहीं दूंगा कि इसको अपनी टीम में लो, क्विंटन डिको को बाहर करो। अब बात करें ईशान किशन की, दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, डेफिनेटली खेलते हुए दिखाई देंगे। इनकी बैटिंग पोजीशन की बात करें तो चौथे नंबर बैटिंग करने आएंगे दोस्तों, और इन्होंने पहले मैच 17 बनाए। बाकी अगर पहले मैच इसकी जो बात करें पहले मैच को छोड़कर तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई, हाँ तो सही सुना दोस्तों, इनकी बैटिंग ही नहीं, बैटिंग आई तो इतने बॉल नहीं मिले कि अच्छे खासे रन बना सके, इसलिए मैंने ईशान किशन को फिर भी अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं किया है। मनदीप सिंह की अगर बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे मनदीप सिंह, 5 नंबर बैटिंग करने आते हैं और इन्होंने सिर्फ 2 रन इन्होंने बनाए टीम के लिए पिछले मैच में। इनको क्यों खिला रहे हैं मेरे को किंग्स इलेवन पंजाब ये समझ जाते हैं, इनकी जगह पे करुण नायर है उसको भी मौका मिल सकता दोस्तों, एक प्लेयर जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको बार बार खिलाए जा रहे हैं, व्हाई गिव मी अ रीजन मैन। आदित्य तारे भी दोस्तों नहीं खेलेंगे, एसलेट भी नहीं खेलेंगे, ए सिंह भी नहीं खेलेंगे। अब बात करें तो ऑलराउंडर सेक्टिंग, तो ऑलराउंडर मैंने सेलेक्ट किया हार्दिक पांड्या को, आर अश्विन को और सैम करन को। तो हार्दिक पांड्या की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है पिछले मैच की बात करें तो, हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में 14 रन बनाए टीम की तरफ से, लेकिन अगर विकेट की बात करें तो विकेट ये नहीं ले पाए, लेकिन बहुत अच्छे आपको पता है ऑलराउंडर ना किसी का तो नाम ही काफ़ी है, तो इनका नाम ही काफ़ी है। हैनी केज को अभी तक मौका नहीं मिला, तो इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली इनको भी इस मैच में मौका नहीं मिलेगा। अब बात करें तो आर एफ सिंह की, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, क्यों खेलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि कैप्टन है और पिछले मैच में उन्होंने एक विकेट भी लिया था। सैम करन की बात करें तो सैम करन किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, एक अगर बात करें तो 4 विकेट भी उन्होंने लिया, मोस्ट ऑलराउंडर अगर बात करें अंडररेटेड ऑलराउंडर यही है किंग्स इलेवन पंजाब के सैम करन। बैन कटिंग की बात करें मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं लेकिन खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं, पहले मैच में इनको मौका नहीं मिला तो इस मैच में इनको वापस लेके आना मेरे को नहीं लगता, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने डेब्यू कराया था एक प्लेयर का, आपको बता दूंगा जोसेफ नाम है उसका, तो 6 विकेट उन्होंने लिया था, तो उनको हटाने का कोई चांस नहीं बनता, उनको हटाने का दोस्तों बिल्कुल भी चांस नहीं बनता, चाहे किसी की भी प्लेस पर उसको हटाने का चांस नहीं बनता। पहले मैच उन्होंने 6 विकेट लिए थे अपने डेब्यू मैच में ही, तो अगले मैच में हटा दो भाई खुद्दू हो। कुणाल पांडे को लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से डेफिनेट आपको इस मैच में खेलते हुए दिखा देंगे। जयंत यादव भी दोस्तों खेलते हुए दिखा देंगे, एज बरार और ए सुधाकर ये नहीं खेलते हुए दिखाएंगे, सॉरी ये नहीं खेलेंगे। बॉलिंग की बात करें बॉलिंग एंड्रू टाई दोस्तों नहीं खेलेंगे इस मैच के लिए, तो आप इनको बाहर कर दो। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे दोस्तों, मोहम्मद शमी इस मैच में आपको खेलते हुए दिखा देंगे,
और राजपूत की बात करें दोस्तों, राजपूत भी इस मैच में आपको अंकित राजपूत खेलते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छे बॉलर हैं, इनको अपनी टीम में लेना था तो ले सकते हो। एच जो लेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आपको खेलते हुए मोस्ट प्रोबेबली अगर बात करें तो अंकित राजपूत अगर नहीं खेलेंगे तो एच न्यूजीलैंड खेलते हुए आपको इस मैच में दिखाई दे सकते हैं। तो इन दोनों पे एक पे चॉइस होगा कि किस मैच में इनको दोनों में से एक को खिला सकते हैं। मुजीब रहमान अगर बात कर दो, मुजीब रहमान को पिछले मैच में मौका मिला गया एक विकेट उन्हें झटका, लेकिन मुजीब रहमान की बात कर तो स्पिनर है तो मोस्ट प्रोबेबली इनको बाहर बिठा सकते हैं और एच न्यूजीलैंड और अंकित राजपूत को दोनों को इस मैच में खिला सकते हैं। लसित मलिंगा दोस्तों वापिस आ चुके हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, लेकिन इनको किसके स्थान पर खिलाया जाए अगर पिछले मैच की बात करें तो लसित मलिंगा की जगह पे इन्होंने खिलाया अलजारी जोसेफ को जिसने 6 विकेट निकाले, तो उसको हटा के लसित मलिंगा को लेने का कोई चांस ही नहीं बनता। क्यों बाहर करेंगे उसको? एक रीज़न बताओ, एक गलती बताओ उसकी जिसकी वजह से उनको बाहर बिठा दिया जाए। नो एम मैकलेगन दोस्तों मुंबई नहीं, तो मेरे को नहीं लगता कि एम अगर मैकलेगन की बात करें दोस्तों, इनको पिछले मैच में नहीं खिलाया गया तो इस मैच में मेरे को नहीं लगता कि मौका मिलेगा खिलाने का। जैसे मैंने रो दोस्तों इनको पिछले मैच में खिलाया गया, एक विकेट उन्होंने लिया, इसको लसिन मलिंगा की जगह जसन वैंडरोफ की जगह पे मसी लसिन मलिंगा को मौका मिल सकता है। सिर्फ यही ऑप्शन बचता है दोस्तों इन दोनों से एक खेलने का, लेकिन और कोई चांस नहीं बचता इनको। तो दोस्तों लेना तो लेना ही है, नो डाउट। मुरुगन वेस्ट दोस्तों नहीं खेलेंगे इस मैच में, वरुण चक्रवर्ती भी नहीं खेलेंगे, डीन एल्डन भी नहीं खेलेंगे, तो पी जसपाल भी, शरण भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। ये अगर बात करते हैं नीचे, राहुल चहर को पिछले मैच में दोस्तों मुंबई इंडियंस ने मौका दिया खेलने का, इस मैच में भी आपको खेलते हुए दिखा देंगे। मयंक मनकंडे दोस्तों नहीं खेलेंगे, आर सलाम भी दोस्तों नहीं खेलेंगे, याची ए सिंह ये भी इस मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कैप्टन बास्केट की, मैंने कैप्टन में सेलेक्ट किया है किसको, किसको मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों? अगर बात करें तो अब क्रिस गेल को, डेविड मिलर अगर बात करें, सो मेरे पास 3 इसके हो गए, तभी मैं इनको नहीं ले रहा था। क्रिस गेल को थोड़ा आप रोहित शर्मा को ले सकते हो, वाइस कैप्टन ये होगा कैप्टन मयंक अग्रवाल दोस्तों, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा हो गए। अब हार्दिक पांड्या को बना सकते हो तो सैम कुरन बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, सैम कुरन दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए। अब बात करें दोस्तों इनकी रिव्यू की, हमारे पास किया राहुल हो गया, मयंक अग्रवाल हो गया, डेविड मिलर हो गया, रोहित शर्मा हो गया, किरण पोलार्ड हो गया दोस्तों। ऑलराउंडर की बात करें हमारे पास हो गया हार्दिक पांड्या हो गया, आर अश्विन हो गया, सैम कुरन हो गया। बॉलिंग की बात करें तो अलजारी जोसेफ हो गया, मोहम्मद शमी हो गए और जसप्रीत बुमराह हो गए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको C++ एंड्रॉइड से रिलेटेड इथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे दूसरा चैनल गैंग्स ऑफ कोडर को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच।